चीन जो है उनके पूर्वज महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, और महात्मा बुद्ध बहुत अच्छी आत्मा का व्यक्ति था, प्राणी था, स्वर्ग से ही सीधा वो मनुष्य जीवन प्राप्त किया था उसने। अब क्या होता, जो इंसान स्वर्ग को छोड़कर यहाँ जन्म लेता है मनुष्य का तुरंत, क्योंकि पिछले घने पुनकर्मी प्राणी होते हैं, उनको ऐसा एकाद के साथ ऐसा घटना घटती है, तो उसको जो सुख स्वर्ग में था वो यहाँ हो ही नहीं सकता। राजा भी बन गया लेकिन आत्मा में शांति नहीं, तो राज भी त्याग दिया उसने और फिर जंगल में जाकर तपस्या करने लग गया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे हठ योग करके बैठ गया। परमात्मा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वो महात्मा बुद्ध भी तो उसी भगवान का बालक था, उसकी जान बचा दी ना, मरे उस वहाँ पर मर जाता, खत्म हो जाना था हठ योग से। एक माई को प्रेरणा करी, उसके मुँह का खीर लगा दी, पहले दिन थोड़ी सी खाई, अगले दिन थोड़ी, फिर खा कर उसका शरीर ठीक सा हुआ, स्वस्थ हुआ। तब उसने कहा था, स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तो भगवान नहीं मिल सकता, आत्मा का कल्याण नहीं। अब कारण क्या था कि उसने कोई गुरु मिला नहीं और अपना ज्ञान उसको था ही नहीं। उसने कुछ अच्छी आत्मा जो होती है, अच्छी शिक्षाएं तो घर के भी दे देते हैं, पड़ोसी अच्छा आदमी होगा वो भी अपने दूसरों के भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो वो भी बता देता है, तो उसने कुछ पॉइंट से बना लिए अच्छी शिक्षा के, वो जाकर प्रचार करने लग गया। कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई राम नहीं, तो इस प्रकार का जो ज्ञान है ये सबको अच्छा लगे। भाई बीड़ी ना पियो, आत्मा ना दुखाइयो, किसी ने तंग ना करियो, अपना लेकर दे दियो, बड़ी अच्छी बात, आम आदमी स्वीकार करे इसने। तो केवल इतना ही काम नहीं, ये तो एक मनुष्य जीवन का स्वाभाविक क्रम है, ये तो अच्छी बात है कोई ऐसा प्रचार करता है, लेकिन इस मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होगा ये समाधान उनके पास नहीं था। अब उनके पूर्वजों को जब तक वो उनकी साधना पूजा जैसे भी बताया करते थे, करते रहे, कोई छोटा मोटा मंत्र जंत्र, जैसे कोई गीता का श्लोक ले लिया, ये अपने आप ही वो किया करते थे। महात्मा बुद्ध की तरफ से कोई साधना उनको नहीं बताई गई थी। तो इस प्रकार से हम वो पूरे नास्तिक हो गए, रूस नास्तिक हो गया। अरिब नंबर भारत का था, जहाँ भगवान के बच्चों का विशेष गढ़ है, जहाँ विशेष आत्मा प्यारी परमात्मा की शुभ कर्मी संस्कारी पहले से इस अक्षेत्र में रहे हैं। वैसे हमारा किसी, ये देश तो हमने आप बना लिए, पहले भारत कितना बड़ा था, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और तुर्की तक, इराक, ईरान तक, गजनीव तक, ये सारा भारत था। इब हमने यह सीमा खींच ली, हमारा यू भारत हो गया, नहीं, पूरी पृथ्वी परमात्मा की है, पूरी पृथ्वी पर परमात्मा के बच्चे हैं। हमने एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहना चाहिए। जब ज्ञान आपको होगा, काल हमें बांट के, हमें मजमू में बांटा, हमें सीमाएं बनाकर लड़ा लड़ा कर मार रहा है, हमने उसको सोचना पड़ेगा। कितने दिन के लिए रहोगे आप? आज एक सैनिक हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के साथ मरने मारने को खड़ा किया, मेरा देश है, और उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी जो बड़ा होकर के वो मनमान पाकिस्तान में जन्म हो जाए, क्योंकि हम पहले इकट्ठे तो थे, संस्कार मिले जुले, और फिर सैनिक हो गया तो हिंदुस्तान का नहीं, मुँह कर लिया अगर कि किसने मारूंगा, मेरा पाकिस्तान। तो यह भूल लग रही है अपने, हमने नेक नीति से रहना चाहिए, जितना अच्छी तरह अपना अपना उसी में सब्र करो और भगवान ने याद करो, वहाँ चलेंगे इसी लोक में, जहाँ सीमाएँ कोई नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं। तो इस ज्ञान से बहुत सारा मिलेगा आपको, और ये सच्चा है, किसी डोम भाट का बताया ज्ञान नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो हमारे यहाँ व्यवहारिक जीवन में भी हमारे को ये साथ देगा, सहयोग देगा, हमें सुखी करेगा, जीने की राह मिलेगी और मोक्ष भी मिलेगा। ये दोनों काम होंगे इस परमात्मा के ज्ञान से।